दरभंगा को टाटानगर के लिए मिलेगी एक नई ट्रेन जो कि प्रस्तावित है, और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे इस नई ट्रेन के बारे में। आखिर यह ट्रेन कब से चलेगी और क्या जानकारी निकल के सामने आई है, इस वीडियो में इसकी पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को करें शुरू से पहले, चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिथिलांचल के कई पैसेंजर के लिए टाटानगर के लिए ट्रेन को लेकर के बात कही जा रही है। ऐसे में मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे के जीएम से टाटानगर, बेंगलुरु, कोटा आदि जगहों के लिए जयनगर से ट्रेन सेवा की मांग करेंगे, लेकिन एक भी ट्रेन जयनगर से टाटानगर के लिए नहीं है। ऐसे में मिथिलांचल की एक बड़ी आबादी टाटानगर, आदित्यपुर ही नहीं बल्कि चक्रधरपुर और चाईबासा जैसे जगहों पर भी रहते हैं। ऐसे में यहाँ जाने के लिए अभी एक भी ट्रेन नहीं है, चाहे वो दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो या फिर जयनगर हो, तीनों ही जगहों से टाटानगर के लिए अभी एक भी ट्रेन नहीं है। इस कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे को इस रूट पर एक नई ट्रेन चलानी चाहिए जो कि एक बेहतर विकल्प होगा। यहाँ के यात्रियों के लिए लंबे समय से इंतजार है कि टाटानगर के लिए एक और नई ट्रेन मिलनी चाहिए। ऐसे में क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आएगी, आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में हम जानेंगे। फिलहाल के लिए अभी यह ट्रेन प्रस्तावित है। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब।